गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था, टेंथ के ए पार्ट किया था। ए में भी हमने, ये तो हमें क्वेश्चन गिवन था और ये हमने करेक्शन किया था। ये करेक्शन ये हो सकता है, रिकरेक्शन ये हो सकता है। आज हम लेंगे टेंथ का बी। जो नाइन्थ एक बार पढ़ा है, मैं ए को हटा देता हूँ यहाँ से। टेंथ का बी क्या कह रहा है? बी बच्चों हमें यह कह रहा है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। पासों पर प्राप्त अंकों का योग कितना होना चाहिए? 8। यानी देयर विल बी नंबर ऑफ सम विल बी 8 इफ गिवन दैट कि लाल पासे पर संख्या 4 से कम है। यानी ऑन रेड डाइस देर विल बी शो ब्लो देन 4। यानी 4 से कितनी आना चाहिए मेरे पास? कम। तो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले माना, जो हमें ज्ञात करना है उसे ले लेता हूँ मैं ई। हमें ज्ञात क्या करना है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की। तो मैंने लिख लिया पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। क्या ले लिया? 8 होना। तो 8 में क्या क्या बन रहे हैं बच्चों, नोटिस करो। 1-1 नहीं है, 1-2 नहीं है, 1-3 नहीं है, 1-4 नहीं है, 1-5 नहीं है, 1-6 नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा? 2-6। तो ये वाली लाइन मेरे पास पूरी बन जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 2-6 3-5 4-4 5-3 और 6-2। इनमें सब में टोटल कितना आ गया? 8। अब हमें गीवन क्या है? गीवन क्या है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है। यानी एफ ले लेता हूं कि मेरे पास लाल पासे पर संख्या 4 से कम होना। लाल पासा कौन सा लिया था बच्चों? मैंने फर्स्ट पासा तो लिया था ब्लैक और सेकंड लिया था मैंने रेड। तो रेड में क्या ले रहा है? 4 से कम। तो 4 से कम कौन कौन से आ जाएंगे? यह है पूरा पार्ट मेरे पास इसका आ जाएगा, क्योंकि रेड पे 1 है 4 से कम है, रेड पे 2 है 4 से कम है। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये पूरे आ जाएंगे, ये पूरे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एफ में क्या क्या आ गया मेरे पास? 1-1-1-2-1-3 2-1-2-2-2-3 3-1-3-2-3-3 4-1-4-2-4-3 5-1-5-2-5-3 6-1-6-2-6-3 ये आ गए। अब मैं ले लेता हूँ इन दोनों का कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इसमें गौर से देखो, देखो 3 से कम था, यानी 5-3 आ जाएगा, 6-2 आ जाएगा। इसके अलावा मेरे पास कोई भी कॉमन नहीं आएगा। 5-3 और 6-2 तो प्रायिकता ज्ञात कर लेता हूँ मैं ए इंटरसेक्शन एफ की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2। टोटल नंबर कितने हैं? 2। और इसमें ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल नंबर कितने हैं? 2। और टोटल एस में कितने हैं मेरे पास? 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ में कितने आ गए? 1-2-3-4-5-6-6-6-6 18 upon 36। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ। इट मीन्स पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। बच्चों गौर से देखो, एफ को तो लिया मैंने गिवन वाला, ई को लिया हमने फाइंड करना। एक गिवन और एक फाइंड करना हो, फाइंड को हमेशा ऊपर रखेंगे और गिवन को रखेंगे नीचे। तो ये बन जाए पी इंटरसेक्शन एफ। इनकी वैल्यू रख देता हूँ, तो P इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 upon 36 डिवाइडेड बाई 18 upon 36
सिक्स, तो यह बन जाता है टू अपॉन एटीन, इट मीन्स वन अपॉन नाइन। ये आ गया मेरे पास टेंथ का बी। अब ले लेता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर इलेवन। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या कह रहा है? इलेवन नंबर हमें ये कह रहा है कि एक न्यायपासे को उछाला गया, यानी वन डाइस इज थ्रोन, एक डाइस से एक न्यायपासा फेंका जाता है और घटनाएं दे रखी है हमें, तीन चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले ले लेता हूं मैं एक न्यायपासे को फेंका जाता है। बच्चों न्यायपासे का मतलब क्या हो गया? न्याय का मतलब क्या होता है? सबकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। न्यायपासे का मतलब होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छः में से किसी एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही रहेगी। ऐसे नहीं कि कई बार क्या होता है, हम चीटिंग करते हैं तो कई बार हम जहाँ वन होता है वन की जगह सिक्स भी और कुरेद लेते हैं तो हमारे पास टू सिक्स हो जाते हैं, वो न्यायपासा नहीं रहता। न्यायपासे का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सबका मान समान आना चाहिए। तो मेरे पास एस, एस का मीनिंग यानी सिंपल स्पेस क्या बन जाएगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आ गया न्यायपासा। इसमें बच्चों हमें ई, ई ई में क्या दे रहे हैं? ई में हमें दे रहा है वन थ्री फाइव, एफ एफ में हमें दे रहा है टू थ्री, और हमें क्या दे रहा है? जी, जी में हमें क्या दे रहा है बच्चों? टू थ्री फोर फाइव, और हमें पूछा क्या है? हमें बच्चों तीन चीजें पूछी गई है। एक नंबर पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। सेकेंड नंबर में हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई, और थर्ड में हमसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ अपॉन जी, और आगे हमें पूछा जा रहा है ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। बच्चों हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले बच्चों आपका सबसे पहला एक ही काम होना चाहिए कि जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो हम पहले ही ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी। पी ई अपॉन एफ का मतलब क्या है? मेरे को ई और एफ का इंटरसेक्शन चाहिएगा और उसकी प्रायिकता चाहिए। एफ मेरे पास दिया हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैं ज्ञात कर लूँगा। एफ अपॉन ई का मतलब क्या है? एफ और ई का इंटरसेक्शन चाहिए, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालो चाहे एफ और ई का इंटरसेक्शन निकालो, दोनों आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ कहो चाहे एफ इंटरसेक्शन ई को, दोनों का मतलब एक ही है। ई और एफ में कॉमन क्या है बच्चों? ई और एफ में कॉमन क्या है मेरे पास? थ्री, ये आ गया मेरे पास इसका कॉमन। अब मैं आ जाता हूँ इसमें सेकंड में, ई अपॉन जी है तो ई और जी का इंटरसेक्शन चाहिए, यहाँ जी अपॉन ई है तो जी और ई का इंटरसेक्शन चाहिए, ये भी मैं ज्ञात कर लेता हूँ। ई इंटरसेक्शन जी या जी इंटरसेक्शन ई, ई और जी का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या है बच्चों? कॉमन थ्री है और फाइव है, ये आ गया थ्री और ये आ गया फाइव, ये इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड पे, थर्ड पे बच्चों गौर से देखो, अंश में क्या दिया? ई यूनियन एफ दे दिया, तो पहले मैं ई यूनियन एफ ज्ञात कर लेता हूँ। ई और एफ का क्या निकाल लेता हूँ? यूनियन, यूनियन क्या आ जाएगा बच्चों? वन टू थ्री फाइव, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ ई एंड एफ, यानी ई और एफ के सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब ये अंश में, ये हर में, हर में क्या है? जी, मैंने की बात कही कि अंश में चाहे जो भी हो अंश तथा हर का इंटरसेक्शन ज्ञात हमें करना होता है, तो ये तो रहा मेरे पास अंश इंटरसेक्शन, ये रहा हर।
ई यूनियन ऑफ पहले से अंश ज्ञात है 1 2 3 5 और जी में क्या है 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इसको चाहे ऐसे लिख लो ई यूनियन ऑफ की वैल्यू 1 2 3 5 इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या है मेरे पास में बच्चों 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया 2 3 5। ऐसे ही इसमें ज्ञात कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं ज्ञात करूँगा ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का कॉमन, ई इंटरसेक्शन एफ मेरे पास पहले से ज्ञात है तो इसको वापस ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, और हर में क्या दिया है जी, तो अंश तथा हर का इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है, अंश तो क्या है ई इंटरसेक्शन एफ और हर क्या है मेरे पास जी, इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू पहले से क्या है बच्चों 3, इंटरसेक्शन जी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया बच्चों केवल और केवल 3। अब मेरे को चाहिए इन सब की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की क्या आ जाएगी 1 2 3, 3 इवेंट है तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितने हैं 2 तो 2 अपॉन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितने 4 4 अपॉन 6, में काट नहीं रहा इनको मैं, लास्ट में काट दूंगा इनको, इसकी प्रोबेबिलिटी ये क्या बना देंगे मेरे पास, इनको यहां लिख लेता हूं पी ई इंटरसेक्शन एफ कहो चाहे पी एफ इंटरसेक्शन ई कहो, दोनों का मान इसमें कितने एलिमेंट है 1 और टोटल कितने मेरे पास 6, ऐसे ही पी ई इंटरसेक्शन जी कहो चाहे पी जी इंटरसेक्शन ई कहो, इसमें कितने एलिमेंट है 2 तो 2 अपॉन क्या बन जाएगा 6। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, ये इसमें कितने एलिमेंट आए 3 तो ये इसकी बन जाएगी 3 अपॉन 6, probability of E intersection F intersection G, इसमें कितने एलिमेंट है 1 तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 6। अब मैं सारे ज्ञात कर सकता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट क्या था बच्चों मेरे पास PE upon F का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंश तथा हर के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टा हर की प्रायिकता, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू ये रही, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई पी एफ, पी एफ का मान कितना है 2 अपॉन 6, तो ये रिजल्ट क्या आएगा 1 अपॉन 2। इसमें सेकेंड क्या पूछा है पी एफ अपॉन ई, इसका भी क्या बनेगा अंश तथा हर के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बटा हर की प्रायिकता, पी एफ इंटरसेक्शन ई का मान ये रहा कितना 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई पी ई, पी ई का मान कितना बच्चों 3 अपॉन 6 ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 अपॉन 3। सेकेंड नंबर में हमें क्या कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन जी, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा पी अंश तथा हर के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टा हर की प्रायिकता, तो पी इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई जी की प्रोबेबिलिटी, जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों मेरे पास 4 अपॉन 6, इट मीन्स 2 अपॉन 4, इट मीन्स 1 अपॉन 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है क्या मेरे को पी जी अपॉन ई, इसका मतलब क्या आएगा प्रायिकता अंश तथा हर के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टा हर की प्रायिकता, पी जी इंटरसेक्शन ई इसका मान कितना बच्चों 2 अपॉन 6 डिवाइडेड बाई पी ई, पी ई का मान कितना बच्चों मेरे पास 3 अपॉन 6 ये रहा 3 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 2 अपॉन 3। थर्ड में मेरे को फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइंड आउट करना था कि हमें फाइंड आउट करना है पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि अंश तथा हर के इंटरसेक्शन की प्रायिकता बट्टा हर की प्रायिकता,
ये मैंने पहले से ज्ञात कर रखा है पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी, इसका मान कितना है बच्चों 3/6 डिवाइडेड बाय पी जी, जी का मान कितना है 4/6 तो ये बन जाएगा 3/4 इसका सेकंड हमें फाइंड आउट करना था ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, तो इसका भी यही फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला मैंने आपको ये की बताया कि ये तो है अंश और ये है हर, इन दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बट्टा हर की प्रोबेबिलिटी, इसका वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करके इसका मान क्या है 1/6 डिवाइडेड बाई पी जी, पी जी का मान कितना है 4/6 तो यह बन जाता है 1/4। यह है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों, मान ले जन्म लेने वाले बच्चों का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, यानी मान लो कि जो भी हमारे पास चाइल्ड पैदा होता है वह बॉय भी हो सकता है और वह गर्ल भी हो सकता है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी ये नहीं लेके चल रहा है, एक्चुअल में देखा जाए तो तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है, वो क्या होती है किन्नर की, पर किन्नर को ये मान के नहीं चल रहा है तो मेरे पास क्या लेना है केवल या तो लड़का लेना या लेना लड़की। किसी परिवार में दो बच्चे हैं, किसी परिवार में क्या है बच्चों कितने बच्चे हैं दो, तो मैं ये ले लेता हूँ, किसी परिवार में कितने बच्चे हैं दो बच्चे हैं, इसने पहले क्लियर कर दिया कि दोनों बच्चे या तो लड़का होगा या होगी लड़की, तो पहले मैं लिख लेता हूं वो बन क्या क्या कंडीशन सकती है, सैंपल स्पेस लिखूंगा। देखो बच्चों दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का, दोनों की दोनों लड़कियां, ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी सोल्व किया है और ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे। अब ये क्या पूछ रहे हैं, तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो माना ई दोनों बच्चों का क्या होना बच्चों लड़की होना, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है, तो दोनों बच्चे लड़की कब आएगी मेरे पास में, जब दोनों की दोनों क्या बनेगी डबल जी, परंतु ये क्या कौन सी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमें कंडीशनल, ये क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल, व्हेन डाल दिया तो इसका मतलब ये कंडीशनल बन गई, इसमें भी क्या दे रहा है ए में हमें एफ क्या दे रहा है, एफ में ले लेता हूं इसमें फर्स्ट दे रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, सबसे छोटा बच्चा क्या है बच्चों लड़की है, सबसे छोटा इसका मतलब मैं ये ले लेता हूं फर्स्ट वाले को तो बड़ा ले लेता हूं, सेकंड वाले को क्या ले लेता हूं छोटा, तो इसमें क्या है सबसे छोटा बच्चा क्या होना चाहिए लड़की, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यह बन जाएगा मेरे पास एफ बी जी और जी जी, फर्स्ट के लिए ई ज्ञात करना है तो फर्स्ट टाइप में मेरे को यह दे रहा है कि हमें यह गिवन लेना है और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा सबसे पहले बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी डबल जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगी 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास 2/4 तो हमें फाइंड आउट क्या करना है पी ई अपॉन एफ, ई अपॉन एफ फाइंड आउट कर लेता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 1/4 डिवाइडेड बाई पी एफ की वैल्यू क्या है 2/4 इट मीन्स रिजल्ट भी लेते हैं 1/2 ये आगे फर्स्ट नंबर कंडीशन। सेकेंड नंबर क्या कह रहे हैं, हमें फाइंड तो यही करना है परंतु अब किसके अकॉर्डिंग करना है वो हमें दे रहा है, ये दे रहा है इसमें न्यूनतम एक बच्चा लड़की है,
इसमें जी सच देट ले लेता हूं मैं न्यूनतम, एक बच्चा क्या है लड़की, इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम वन चाइल्ड इज गर्ल, यानी एक चाइल्ड क्या है, मिनिमम वन चाइल्ड इज गर्ल, यानी न्यूनतम एक बच्चा क्या है लड़की, यानी एक लड़की होना ही चाहिए, तो दो लड़कियां भी हो सकती है। तो जी में क्या क्या बन जाएगा बच्चों, ये डबल बी दोनों बोए नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बीजी एक लड़की है, जी बी में भी एक लड़की है, न्यूनतम कह रहा तो दो लड़कियां भी हो सकती है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, बीजी। न्यूनतम का मतलब ही क्या है बच्चों, न्यूनतम का मतलब ये होता है कम से कम 10 रुपये का नोट देता हूँ, न्यूनतम 5 रुपये, इसका मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसका न्यूनतम एक का मतलब 1 और 2। इसमें भी मैं निकाल लेता हूँ ई इंटरसेक्शन जी। अब ई की प्रोबेबिलिटी किसके रेस्पेक्ट में, जी के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन जी। ई अपॉन जी के लिए क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी में कॉमन क्या है बच्चों, डबल जी। अब मैं निकाल लेता हूँ इनकी प्रोबेबिलिटी पी जी, इसमें कितने हैं 3, 3 अपॉन 4 पी ई इंटरसेक्शन जी, तो 1 अपॉन 4 हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ई अपॉन जी की। ये गिवन लेना है और ये हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये तो फाइंड करना ही था, फर्स्ट में ये दे रखा था गिवन ये लेना है और सेकंड में ये दे रखा था गिवन ये लेना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। पी ई इंटरसेक्शन जी की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई पी जी की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 4 और रिजल्ट विल अपीयर 1 अपॉन 3। ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है।